जांजगीर चांपा के अकलतरा में तिलई गांव में 21 साल के युवा दीपक तिवारी ने पक्षियों के संरक्षण के लिए नई पहल की है। दीपक तिवारी ने पक्षियों के लिए गांव की गलियों, घरों और बाहरी इलाकों में 500 से ज्यादा कलरफुल लकड़ी के घोंसले बनाकर रखे हैं। इसमें बारिश में भी पक्षी सुरक्षित रहेंगे। इससे पहले गर्मी में भी युवा दीपक तिवारी ने खेतों के बीच पक्षियों के लिए पेड़ों पर सकोरे बांधे थे और लगातार 3 महीने तक पक्षियों को दाना पानी देते रहे। पिछली गर्मी में 700 से ज्यादा सकोरों को पेड़ों से बांध दिया गया था। दीपक ने इसे अभियान बनाने के लिए पैम्पलेट भी छपाया है और लोगों से जागरूकता लाने के लिए गांव-गांव में 12,000 से ज्यादा पैम्पलेट बांटे हैं। पिछले साल भी गर्मी में 11,000 पैम्पलेट बांटे गए थे। दीपक की इस कोशिश की स्थानीय लोग भी सराहना कर रहे हैं। दीपक ने नेत्रदान का भी संकल्प लिया है। रैया की जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, जो कि मुख्य कारण उसका रेडिएशन है टावर का, जो कि उसकी चुंबकीय विकिरण से गौरैया का नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे प्रजनन क्षमता कम होती जा रही है। और लकड़ी का घोंसला बनाने का उद्देश्य यह है कि इसमें रेडिएशन जो है डायरेक्ट घोंसले पर नहीं पड़ेगा, जिससे अंडे सुरक्षित रहेंगे और बच्चे भी अंडे सुरक्षित बाहर निकल आएंगे, जिससे निश्चित ही गौरैया की संख्या में वृद्धि होगी। पूरा बांध के गर्मी सीजन में चिड़िया मन की रक्षा करें और इस साल भी बना के लकड़ी के बढ़िया चिड़िया मन के स्वच्छ जगह चारा पानी सबकी व्यवस्था।